अनमोल खजाना, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्माओं, डेरा। महाराज जिस बात पर जोर देते हैं कि डेरा हमेशा आध्यात्मिकता या रूहानियत का ही केंद्र बना रहे, जैसे कि इस उजाड़ और सुनसान स्थान को भजन और सत्संग के लिए चुनते समय बाबा जी की इच्छा थी। महाराज जी ने एक बार सत्संग में संगत से कहा, सत्संग से पहले मैं एक बड़ी ज़रूरी विनती करना चाहता हूँ आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पुण्यात्माओं, कृपया बड़े ध्यान के साथ सुनने और समझने की कोशिश करें। रहने का स्थान अपने रहने के लिए संत महात्मा हमेशा एकांत ढूंढते हैं। वे शहरों और गांवों की हलचल से दूर रहना चाहते हैं, लेकिन जो मालिक के भक्त होते हैं, जो परमार्थ के खोजी होते हैं, जिन्हें मालिक से मिलने की तीव्र इच्छा और कशिश होती है, वे उस जगह भी संतों के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि चंदन का पेड़ कितने भी जंगल के बीच क्यों न हो, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।